ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? क्यों हो रहा है? ये कमरे के बीचों बीच दीवार कैसे आ गई यार? ए, ए, इस कमरे में तो खिड़की दीवार कुछ है ही नहीं। ये कैसा कमरा है यार? छी, खिड़की दरवाजा कुछ है ही नहीं। ऐसे हम बाहर वहीं रुक जाओ, अंदर मत आना। के बाय टाटा, अंदर आ गई तो बाहर नहीं जा पाओगी क्योंकि इस कमरे में खिड़की दरवाजा कुछ है ही नहीं। क्या? हाँ। क्या कहा तुमने? इस कमरे में खिड़की दरवाजा कुछ नहीं है। हाँ। अरे बाबा ना, फिर मैं अंदर नहीं आऊंगी क्योंकि अगर मैं अंदर आई ना तो मैं फंस जाऊंगी, फिर मैं बाहर कैसे जाऊंगी। हाँ। मैं जाती हूँ, बाय बाय बाय। तो सारी चीजें रखवा दो। हाँ। और सारे कैमरास में जो कुछ भी है वो सीधा फुटेज चाहिए फोन के अंदर। एवरीथिंग वो देख शनाया। हाँ। हे शनाया, अरे तुम बाहर क्यों आई? तुम इस कमरे में थी ना, उस कमरे में वापस अंदर जाओ। वहां जा रही हूँ। एक सेकंड, अंदर जाओ, आराम करो। मैं कह रहा हूँ इसी कमरे से तुम आई थी। कम, लेट मी हेल्प यू। ब्रेकिंग न्यूज, वो जो कमरा है ना उस कमरे में दरवाजा ही नहीं है। अगर मैं अंदर गई ना तो मैं फंस जाऊंगी, मैं बाहर नहीं आ पाऊंगी। एनीवे तुम जाओ, हटो। लिसन टू मी, उस कमरे में दरवाजा है और उसी दरवाजे से तुम चलकर बाहर आई थी। और ये देखो दरवाजा, यही तो है दरवाजा। क्या कह रही थी? ये दरवाजा है। यस, और ये वो मैजिक वर्ल्ड है। कम बैक। यस यस, देखो देखो देखो। और तुमको पता नहीं कैसे आई? दरवाजे से। ए डूड्स, चलो मैं चलता हूँ, डैड घर आ रहे हैं। आई हैव टू गो। अरे रुक जा यार, बहुत मजा आएगा। ए यार तुम दोनों हो ना, ऑल द बेस्ट। चलो बाय। चल तेरे डैड को मेरी तरफ से हाय बोल देना। चल चल, मैं आता हूँ तेरे को छोड़ने। मैं आता हूँ। में कोई नहीं है। राजवीर को कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, उसका फोन नहीं लग रहा। मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है, मुझे जाना है उसके पास। कहाँ जा रही है आप? आप किचन में थे तो और कहाँ आऊंगी? तूने ही बोला ना बहुत जोर से भूख लग रही है, तो तेरे लिए कुछ खाने का बना रही हूँ। अरे किचन में से छुपके कौन काम करता है दी? छुपके काम, वहां खड़ी होकर सब्जी काट रही थी यार। बस बन गया है खाना, बैठ जा। अब प्रीता जी, चाय बन गई? चाय बन गई, बिल्कुल तैयार है। एक मिनट मेरे साथ आ जाओ। वो ना, आपको मैंने वो सूट दिया था ना येलो वाला, उसके साथ की चुन्नी दे दोगे आप? मेरे को मिली नहीं रही अपने वाली। आ जाओ ना, एक मिनट आ जाओ। ओ अच्छा, एक सेकंड फिर इसे बंद कर दूं? हाँ हाँ, उबल उबल के गिर ना जाए। चलिए चलिए, कौन सा बताइए। मैं तो मौका ही ढूंढ रही थी कि मैं घर से कैसे निकलूं दी से नजर बचा के। थैंक यू गणपति बापा, आपने गुरप्रीत जी को मेरे मदद के लिए भेज दिया। आप गुरप्रीत जी दी को बिजी रखेंगी, तब तक मैं अपना काम करके आती हूँ। रहा है मेरे साथ, इतना सर क्यों घूम रहा है मेरा? और सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसे? कमजोरी के कारण चक्कर तो नहीं आ सकता। खाना तो खाया था मैंने, खाने के अलावा कुछ खाया भी नहीं।
खाना खाया और प्रसाद खाया। गॉड, जरूर इस शौर्य ने कोई गड़बड़ की होगी, हत्ता मजाक किया होगा हमारे साथ। उस प्रसाद में कुछ तो मिलाया होगा उसने, इसलिए मुझे वो प्रसाद खाने नहीं दे रहा था। उस प्रसाद में ही कुछ मिला होगा। लेती हूँ, शायद बेटर फील हो। शौर्य के दिमाग में कुछ तो प्लानिंग चल रही है। उसने होना हो उसी ने कोई कुछ गड़बड़ की होगी, पता करना पड़ेगा वो है कहाँ। सॉरी सॉरी किस लिए? किस लिए? मतलब तेरे को पता नहीं, दादी डांट रही है, करीना बुआ डांट रही है, उनको डांटने दे, कितना बढ़िया लग रहा है डांटते हुए। मैं इनको कुछ नहीं कहूंगा, आप जी भर के डांटो, फील फ्री, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह रियली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऋषभ, I'm talking to you. कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो दुनिया से लड़ जाता था मेरे लिए, दुनिया के सामने ढाल बन के खड़ा हो जाता था, और आप कह रहे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो मोह माया, वो एहसास, वो मेरे लिए फीलिंग्स, वो सब चली गई। एवरीथिंग ओवर, दी एंड। नहीं, खुल के बात करना यार, खुल के बात कर, सब खत्म हो गया ना, सारा प्यार खत्म। सुन रहे हो दादी, बचपन से यही करता है, यही करता है, जब उसको पता नहीं ये गलती है, ये इमोशनल ब्लैकमेल करता है, ऐसे करता है। मैं तेरा भाई नहीं, तूने प्यार नहीं करता, तो अब तेरा प्यार खत्म हो गया, ऐसे करता है। तू मुझे एक बात बता, इतना मुझे समझाना तो मैंने समझा लिया, डैड ने भी तुझे समझा लिया, मॉम ने भी तुझे समझा लिया, तुझे उनकी बात भी समझ रही है, अब तेरे को दादी और करीना बुआ समझाने के लिए आई है। करीना बुआ ने तो आज तक कभी किसी को समझाया भी नहीं, वो फिर भी तुझे समझाने के लिए आई है। और दादी घर की बड़ी है, समझदार है, एक्सपीरियंस्ड है, वो तुझे समझाने आई है। कान कपाट खोल कर उनकी बात तो सुन ले कम से कम, कि वो क्या कह रही है। चल हमारी बात छोड़ दे, समझाओ जरा इसको। ऋषभ, तू मुझे अच्छी तरह से जानता है, बचपन से तूने मुझे बड़े होते हुए देखा है, तुझे पता है कि मुझे तेरी बातें ना एकदम से समझ में नहीं आती, क्योंकि तू ना उसे बड़े ही टेढ़े तरीके से समझाता है। तो समझता वैसे है। नहीं नहीं नहीं, तू समझाता वैसे है, समझ में आ रहा है, तू समझाता क्या। खैर छोड़ना है, क्यों इस बात पे लड़ना। देख तू मेरा भाई है, बड़ा भाई है, अगर तू सॉरी बोल रहा है मैं तेरा सॉरी एक्सेप्ट करता हूँ, आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी, ठीक है, तुझसे गलती हुई, मैंने तुझे माफ कर दिया, फाइन, लव यू, ओके, ठीक है। वैसे ना एक बात बताऊं, तो ना बीच में नहीं पढ़ना चाहिए था, ठीक है, तूने गलती की है। समझ रहे हो, गलती की है, इसकी साइड नहीं लिया तो नहीं 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 नहीं, यू आर रॉन्ग, यू आर दिस टाइम यू आर रॉन्ग ऋषभ। खैर छोड़ो इसको, दादी बुआ आप कुछ बोल रहे थे, बोलो बोलो बोलो। क्या बोलूं? नहीं कुछ भी है, जो बोलो मैं सुन रहा हूँ। मैं तो वही बोलना चाहती हूँ जो ऋषभ ने बोला। हाँ, अपने बेटे के साथ रिश्ता अच्छा कर, पक्का कर, बाप मत बन पुत्र, दोस्त बन। क्या? लेकिन दादी मैं उसका बाप हूँ। पता है मुझे। हाँ। लेकिन वही तो मैं कह रही हूँ कि बाप मत बन, दोस्त बन। बाप बन के इंसान डांटता है तेरी तरह, और दोस्त समझाता है महेश की तरह। करण, इतनी छोटी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही है?
तुम्हें शौर्य का डैड नहीं, उसका दोस्त बनना है। अरे जैसे महेश बनता था बचपन में तुम्हारे साथ, दोस्त था तुम्हारा, इतना खेलता था तुम्हारे साथ, घोड़ा बनके पीठ पे बिठाता था, पूरे घर में दौड़ता था वो तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ बच्चा बन जाता था वो और अपना बचपन जीता था तुम्हारे साथ। कुछ समझा? माँ बाप बच्चों के साथ साथ अपना बचपन भी जीते हैं और फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं और दोस्त बन जाते हैं बच्चों के और फिर माँ बाप भी बन जाते हैं, लेकिन पहले दोस्त तो बन। करण बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, बच्चों के साथ तुम्हें बच्चा बनना होता है, उनके साथ खेलना होता है, उन्हें अपने आप में ट्रस्ट दिलाना होता है, दे शुड ट्रस्ट यू। मुझे देखो, मैं कृतिका की पहले दोस्त हूँ, बाद में उसकी मॉम। कृतिका मुझे बहुत ट्रस्ट करती है, छोटी सी छोटी बात मुझे बताती है, अपने दिल में कोई बात नहीं रखती। तुम्हें एग्जैक्टली वैसा ही करना होगा शौर्य के साथ, उसका दोस्त बनना होगा बेटा, समझा? पहले दोस्त बन, फिर तेरी बात सुनूंगी मैं। Hey guys, आप सब साथ हो? Wow. वैसे मेरे पास आप सबके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? Yes. Wow, क्या? वो मैं आप लोगों को नीचे जाने के बाद बताऊं। हम सबको एक साथ नीचे जाना होगा। तो फिर चलो, लेट्स गो। बेटे के साथ रिश्ता अच्छा कर, पक्का कर। बाप मत बन पुत्र, दोस्त बन। Wow, surprise! मेरा बेटा मुझे सरप्राइज दे रहा है। I love surprises, I love getting surprise. क्या बात है? मेरा बेटा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। Me and Shore are the best friends. ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे बेटा, कभी नहीं तोड़ेंगे। And I love surprises. और खास करके जब तुझसे सरप्राइज आता है ना, it's out of the world. चलो, मैं नीचे जाकर वेट करता हूँ, आप सब लोग आइए। I'm waiting for you. Yes, you are my best friend. The best friend of the Karan Rudra. I love you. क्या बात है, आप दोनों की बातों का असर हो रहा है? से आता ही हो रहा है। मैं भी तो जरा देखूं। मैं भी तो जरा देखूं हमारे शौर्य ने क्या प्लान किया है। सही प्लान किया होगा। Definitely. Let me just go. चलो बेटा। ये सब क्या हो रहा है? What the hell? Bro, आज तेरे डैड कुछ पतले बदले से नहीं लग रहे, अब इनको क्या हो गया अचानक? तुझे दोस्त बोला? आज डैड को ज्यादा चिढ़ गई होगी। एक पैग एक्स्ट्रा लगा लिया होगा डैड ने। चल, I don't want to wait them up. चल, let's go. आजा 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 ऋषभ, इधर। Oh wow, I love it. इतना बड़ा स्क्रीन, I love huge screen. आज मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे लिए इतना बड़ा huge screen लगाया यहाँ पर, I love it. मुझे लगता है ना आज ना परिवार में कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। I love my best friend Shore. Shore is my best friend. हाँ। जो तू कर रहा है ना थोड़ा फेक लग रहा है। अभी तेरे को ऊपर करीना वो और दादी ने समझाया था ना कि मतलब जो तू एक्साइटेड हो जा अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा कम हो, ऐसा लग रहा है कि अचानक से 180 डिग्री टर्न आ गया और तू क्यूट फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा है, समझ रहा है? Really? Really तो ऐसा लग रहा है कि मैं फेक एक्साइटमेंट, ना 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 ना, ये फेक एक्साइटमेंट नहीं है, ये अंदर से एक्साइटमेंट है। मैं अंदर से बहुत जेन्युइनली खुश हो रहा हूँ। आई एम रियली हैप्पी फॉर माय बेस्ट फ्रेंड, उसने मेरे लिए इतना बड़ा स्क्रीन लगाया, आई एम रियली हैप्पी। और वैसे भी ना, करण लूथरा कभी फेक नहीं होता, जस्ट रिमेंबर दैट। आई लव यू। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही फैमिली फैमिली हो रहा है। डैड ने आज थोड़ी सी ले ली है क्या? I mean, Lee Dad ने, but digest मुझे नहीं हो रहा। बेटा, digest करना सीखो। तुम हमेशा complain करते थे ना कि तुम्हारे डैड तुम पे ध्यान नहीं देते, तुमसे प्यार नहीं करते। आज देखो कितने excited है तुम्हारे लिए। So just enjoy the moment बेटा। और जहाँ तक रही पीने की बात, तो नहीं, करण ने नहीं पी है। बिल्कुल नहीं पी है। Actually पुत्र, इसने बहुत सारी चॉकलेट खा ली है, तो उसे शुगर लेवल बढ़ गया, एक्साइटमेंट बढ़ गई है। वो क्या कहते हैं तुम लोग इंग्लिश? शुगर रश। और तुम जानते हो ना शुगर रश से क्या होता है? सब कुछ ना ओवर हो जाता है, ओवर इमोशनल, ओवर लव, ओवर एक्टिंग करने लग जाता है इंसान, है ना करण बेटा? मेरी फैमिली भी ना बड़ी अजीब फैमिली है। मतलब जब मैं गुस्सा करता हूँ तो ये कहते हैं इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, जब मैं प्यार करता हूँ तो कह रहे हैं इतना प्यार क्यों कर रहा है। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, मैं गुस्सा हूँ, मैं प्यार करूँ, मैं पापा, मतलब... पापा 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 बस बस करो, आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो?
और वैसे भी आप ना मुझे खुशी अच्छे लगते हो, तो अब आप खुश हो तो खुशी रहो, है ना? यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, बिना सिर्फ तेरे साथ खुश रहता है, हमारे साथ तो सड़ी हुई भूसे जैसी शक्ल बना के खड़ा रहता है। नहीं डैड, नहीं 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 नहीं, आज से कुछ नहीं होगा, आज से आप भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। आज से पूरी दुनिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सारे बेस्ट फ्रेंड है मेरे। मुझे शौर्य से बात करनी होगी प्रसाद के बारे में, इसने प्रसाद में गड़बड़ तो नहीं कर दी, पर कैसे पता करूं, पूरी फैमिली है यहाँ। करण सर, आज आप सच में बहुत ज्यादा हैप्पी है ना, पहले कभी आपने इतना खुल के बात नहीं की है ना, आई मीन आप ऐसे बात करें जैसे आपने थोड़ी पी रखी। अरे शरत, कैसे बात करते हैं, तेरे को पता है वो कौन है? था करण लूथरा और शौर्य के डैड। ये क्या तरीका होता है? सॉरी बोलो, सॉरी बोल। ऋषभ, ऋषभ, ऋषभ क्या कर रहा है ऋषभ? नो 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 नो, यू आर नॉट गोइंग टू से सॉरी आज से, नो सॉरी नो थैंक यू, क्योंकि दोस्तों के बीच में कभी सॉरी कभी थैंक्स नहीं होता। मेरे दोस्त का दोस्त मेरा दोस्त, आई लव यू सैंडी। लव यू सर। लव यू करण सर। आपने प्रसाद खाया क्या? हाँ खाया ना, क्यों? अच्छी बात है, पूजा के बाद सभी प्रसाद खाना चाहिए। लगता है इसने सबको प्रसाद दिया है, आखिर करना क्या चाह रहा है? अरे ये सब छोड़िए ना, आप सब ये स्क्रीन देखिए। हाँ, आपके लिए मैंने ये स्पेशल स्क्रीन लगाया है और अभी मेरा सरप्राइज बाकी है। मुझे पहले ही पता था, मुझे पहले ही पता था, यू नॉटी माय बेस्ट फ्रेंड। म्यूजिक वीडियो रिलीज होने वाला है। आई लव यू माय बेस्ट फ्रेंड। नाइस गेस डैड, बट यू आर रॉन्ग, ये कोई म्यूजिक वीडियो नहीं है, इट्स समथिंग डिफरेंट। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ, कल रात को हमारे घर पे जन्माष्टमी पूजा हुई थी, बस उसी का एक वीडियो है, वीडियो मूवी कह लीजिए। ओके, सो नाउ यू गाइस सेटल डाउन, मैं बस विजय को ढूंढ रहा हूँ और विजय देखते ही मैं उससे सारा सेटअप समझा दूंगा और आप सब द एक्सक्लूसिव रासलीला साथ में देखेंगे। रासलीला, द रासलीला फ्रॉम माय बेस्ट फ्रेंड, देयर्स विजय। हाय विजय, व्हाट्स अप? कम ऑन विजय, हाउ आर यू? कैसा है मेरी जान? आज से तुम भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। लव यू, लव यू विजय सर, आई लव यू। आप लोग सेटल हो जाइए, मैं विजय को समझा देता हूँ सेटअप करवा के, बस अभी आए। बहुत ही जरूरी काम है सैंडी, ये लो ये पेन ड्राइव, इसके अंदर वो सारी ऑडियो क्लिप्स हैं जो मैं चाहता हूं तुम मेरी बेडरूम वीडियो के साथ प्ले कर। इस चीज का ऑडियो है? ये रोमांस वाली, वही रासलीला टाइप्स। अरे तू स्मार्ट इंसान है बीजी, तू समझ जाएगा। राइट, मिस्टेक मत करना, मेरी बेडरूम वीडियो के साथ ये ऑडियो क्लिप्स। राइट, चलो तुम दोनों अपने काम पे लगो, आई सी यू गाइस। लगता है पिक्चर शुरू होने वाली है। कर क्या रहा है ये लड़का? अब तो पक्का इसकी कोई प्लानिंग लगती है। आखिर ये गया कहाँ है? देखना पड़ेगा पलकी। ये लड़की मेरे शौर्य के पीछे जा रही है, इसकी नजर बांधनी होगी, इसे इसकी औकात दिखानी होगी। शनाया और राजवीर अब तक फुल ऑन नशे में होंगे, उन दोनों को तो पता भी नहीं है उनके साथ आज क्या होने वाला है, स्पेशली राजवीर, आज तो उसका कैरेक्टर ब्लास्ट होने वाला है। आज उसकी जो पिक्चर रिलीज होगी उसे देखने के बाद वो इस घर के लोगों में जो अपनी जगह बना के रखा है ना, उसकी वो जगह भी जाएगी, इज्जत भी जाएगी, और सबके दिलों में उसके लिए जो प्यार है ना, वो प्यार के बदले नफरत आ जाएगी। आज वो सब खो देगा, एक अटैक और मल्टीपल टारगेट्स। राजवीर आज तो तू गया।
व्हाट? तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम इस कमरे में दरवाजे से आई हो? इसका मतलब ये है कि इस कमरे में दरवाजा है। राइट। कहाँ है? कहाँ है? दरवाजा। नाइस। ये दरवाजा नहीं है। दरवाजा नहीं है। हे, तुमको दिखाई नहीं देता है क्या? ए, तुम्हें कैसे पता कि ये दरवाजा है? क्योंकि मुझे दिखता है, दरवाजा है। मैं दरवाजे के बाहर आ गया। ओह नो, मैं भी दरवाजे से बाहर आ गई। वैसे दोनों बहुत क्यूट है ना? वंडरफुल। इनकी क्यूटनेस बिग स्क्रीन पर दिखाऊं क्या? अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, शौर्य बोलेगा तब। तब तक हम इन दोनों पंछियों की पागलबंदी एंजॉय करते हैं। ये दरवाजा नहीं है यार, ये दरवाजा नहीं, ये तो मिरर है। मिरर मिरर ऑन द वॉल। ये मिरर है। अने वो एक बात बताओ, तुमने कभी भी अपने आप को दरवाजे में देखा है? नहीं देखा ना, तो ये कैसे दरवाजा हो सकता है? ये मिरर है, मिरर में ही तो हम खुद को देख सकते हैं ना। देखो जैसे ये मैं हूँ, ये तुम हो। नहीं। क्या नहीं, ये जो तुमको तुम देख क्यों नहीं सकती हो यार? तुमको दिखाई नहीं देता है कि मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ वो झूठ। तुम झूठे हो। वाह वाह वाह। लेकिन ये जो है, ये मिरर है तो मिरर है। ये दरवाजा है, मुझको सब दिखाई देता है। ये देखो, कुछ नहीं दिखाई नहीं देता तुमको, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। नहीं, मुझे बताओ कितनी बार कहा है मैंने तुमको वो शौर्य से दूर रहने के लिए? अरे बहुत बेकार लड़का है वो, पर उसे बात करने की भी तमीज नहीं है उसको। और तुमको जितनी बार मना करो कि शौर्य के पास नहीं जाना, तुम बार 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 वो मक्खी की तरह उसके आसपास भिनभिनाते रहते हो। इसके बाद ना उसके आसपास भी भिनभिनाना मत, उससे दूर रहना। यू गेट्स इट? यू गेट्स इट? यू शट अप। यू फर्स्ट शट अप, आई सेकंड शट अप। ये कोई कपड़े पहनने का ढंग है क्या? दुपट्टा कहाँ है? मैं अपना दे दूँ क्या? मैं भी नहीं पहना। हिम्मत कैसे हुई? हाँ तुम स्टुपिड हो, स्टुपिड हो तुम। इधर कम कम, क्या है, क्या है बताओ? कपड़े, सूट है, ये गाउन, और गाउन में कौन दुपट्टा पहनता है? तुम? मैं गाउन ही नहीं पहनता। मैं गाउन कैसे पहनता? इसीलिए शट अप, गाउन में दुपट्टा नहीं पहनते, समझे तुम? शट अप। नहीं नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों को? हिम्मत, हिम्मत की बात की तुमने? हाँ की। हिम्मत मुझ में है और बहुत अंदर है, और ऐसे वैसे कैसे, मैं कैसे भी बात कर सकता हूँ। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम कपड़े ढंग के पहना करो और चौरे से दूर रहो,
और जो भी है ये सब ना तुम्हारे अंदर वो बिल्कुल नहीं है, वो क्या तमीज, तमीज बिल्कुल नहीं है। यू राजवीर कुछ मत बोलो, मैं बहुत गुस्से में, निकलो। गुस्सा मैं ज्यादा गुस्से में हूँ, ज्यादा गुस्से में शू। ऑटो भैया बैंड्रा चलोगे? नहीं। अरे लेकिन खाली है ऑटो अब यार, जब जाना नहीं होता तो क्यों। हेलो सृष्टि जी, आप निकल गई क्या? अरे लेकिन चाय तो पी के जाती हैं आप, वो प्रीता जी ने चाय बना के रखी है। गुरप्रीत जी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मैं बाहर निकल पाई हूँ और मैं लूथरा हाउस जा रही हूँ। प्लीज दी को बताना नहीं, मेरा मतलब है आपको पता है ना? क्यों नहीं बताना है दी को, उन्हें गलती से भी मत बताना वरना वो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को आप एक बात बताओ, आप प्रीता जी को वहाँ जाने से मना कर रही थी और आप खुद जा रहे हो, क्यों क्या बात है? गुरप्रीत जी आप कैसी बातें कर रही हैं, आपको पता है मैं वहाँ क्यों जा रही हूँ? निधि ने इतनी बड़ी धमकी दी है मुझे। अरे उसने धमकी दी है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ पलटवार करना पड़ेगा कुछ। मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ इसलिए मैं। अरे निधि की धमकियों को आप इतनी सीरियसली क्यों ले रहे हो? सीरियसली लेना पड़ेगा, उसने कहा है कि वो राजवीर को मुहर्रम बनाएगी। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, उसने दीप पे इतने जानलेवा अटैक्स किए हैं, मगर उसने राजवीर को भी कुछ, ये कोई छोटी मोटी धमकी नहीं है गुरप्रीत जी।